जेड और फलक में से चूज करना हुआ तो मुझे हैरत हुई कि उन्होंने जेड का नाम ही नहीं लिया। क्या कर रहा है भाई, खेल लगा मिट्टी। मैं ये करती हूँ, और हो सकता है मेरे मुंह से निकला भी हो लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था कहने का, जनानी इज औरत। बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है मेरा इस सफ़र में अविनाश के साथ, और बहुत अच्छी हमारी दोस्ती डेवलप हुई है। उसके पेरेंट्स के लिए बोला कि ये परवरिश हुई है, मैंने परवरिश कभी यूज़ नहीं किया वर्ड। सलाम नमस्ते, मैं हूँ फलकनाज और आप सब मुझे देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबीस में। हमेशा फलक मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग और सॉर्टेड लड़की के हिसाब से मैंने उन्हें देखा है, चाहे वो अपने भाई के मुश्किल दौर में बिल्कुल रॉक सॉलिड की तरह खड़े होना हो या फिर बिग बॉस के घर में अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के बीच अपनी जगह बनाना। फलक, इंसानी तौर पर बहुत मुश्किल होता है अलग अलग तरीके के लोगों के बीच में खुद को पाना। बिल्कुल। सो व्हाट वाज योर जर्नी ऑल अबाउट? क्या कुछ खुद को, एक कहते हैं ना कि हम एक टनल से भी निकलते हैं तो कुछ बन के या कुछ अलग एक जर्नी, एक अलग सोच लेकर निकलते। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये बिग बॉस के घर में जो मेरे 35 दिन रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 35 दिन में भी एक इंसान के अंदर बदलाव आ सकते हैं। जो भी कुछ रहा ज़िंदगी में, जो भी कुछ हुआ, कहीं ना कहीं कुछ छूटता जा रहा था, कहीं खोती जा रही थी, और शायद कह सकते हैं कि अपने लिए जीना कम कर दिया था। तो कह सकते हैं कि 20s जो था मेरा वो पूरा ऐसे ही निकला है। आपको मैं ये बोलूँ तो 2022 तो एक अलग कहानी है, वो पूरे सालों का एक अलग ही एक साल वो ऐसा रहा। बट 20s ऐसा ही रहा मेरा कि करती गई, चलती गई, चलती गई, और एक पॉइंट ऐसा आया फाइनली ये इस साल मार्च अप्रैल में कि जिस काम से मुझे प्यार था मैं वो काम भी नहीं कर पा रही थी, एक्टिंग। मुझसे ऑडिशंस नहीं हो रहे थे, मैं लाइंस नहीं बोल पा रही थी, और हैरत हो रही थी मुझे खुद पे कि मैंने मतलब इतने शोज़ किए हैं लाइफ में, इतने माइथो शोज़ किए हैं, मेरे लिए लाइंस बोलना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आधी रात को भी उठ के लाइन एक बार पढ़ के बोल सकती हूँ, तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो उस वक्त में पहली बार 12 साल के करियर में ये फील हुआ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं दूसरे किसी कैरेक्टर में ढलने के लिए तैयार नहीं थी, मैं फेक बनने के लिए तैयार नहीं थी। उस पॉइंट पे मुझे बिग बॉस के लिए ऑफ़र आया, और ऑफ़र आते ही मैंने हाँ बोल दिया था, क्योंकि वो एक रियलिटी शो। हाँ, और आप खुद अपनी ज़िंदगी, अपना जो व्यक्तित्व है वो आप लोगों के सामने ला पाई। जी, और कैमराज हर तरफ होंगे, जो मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रही थी वो कैमराज मुझे हर तरफ दिख रहे थे, मेरे चारों तरफ कैमराज थे, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, मैं जैसी थी मैं वैसे सामने आई हूँ सबके। और उस पॉइंट पे वो भी चीज़, एक ये चीज़ एक पार्ट अलग था, लेकिन एक ये भी नज़रिया था कि लोगों के सामने आने में कोई बुराई नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए। अब जब लोग इतने परसेप्शंस, अपने इतने ओपिनियंस ला रहे हैं मेरे लिए बिना मुझे जाने, तो आई थिंक मैं उनको एक थाली में सजा के देती हूँ कि मुझे जानो और फिर मेरे लिए ओपिनियंस लाओ, मुझे तब अच्छा लगेगा जब मेरे लिए ओपिनियंस आएंगे, बिना जाने आप मुझे बोल रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये मेरा एक पॉइंट था और वो मैंने ध्यान में रखते हुए ये शो किया। बहुत सारे ओपिनियन गढ़े गए ना, आपका पूजा भट्ट के साथ इक्वेशन, आपका बेबिका के साथ इक्वेशन, आपका अविनाश के साथ इक्वेशन, आपका एल्विस के साथ इक्वेशन, और हर तरह की बातें होती है। और आप, सबसे अच्छी बात है कि आप बेबाक बिल्कुल हर बात का जवाब देती हैं। बिल्कुल। तो वो कौन सा ऐसा इल्ज़ाम कहिए या ऐसी कोई ओपिनियन कहिए जो आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है? जब अभिषेक के इस पे बात उठी थी कि मैंने उसके पेरेंट्स के लिए बोला कि ये परवरिश हुई है, मैंने परवरिश कभी यूज़ नहीं किया वर्ड। मैंने उनको ये कहा था कि आप अपने घर में भी ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं, इस बात में और परवरिश में बहुत फ़र्क है। दूसरा, आज मैंने सुना कि मैंने उसको जनानी या गे कहा, बहुत इनिशियल स्टेज की बात थी, और हो सकता है मेरे मुंह से निकला भी हो लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था कहने का, जनानी इज़ औरत। जनानी मैंने उस सेंस में बोला था कि यार लड़के भी बिचिंग करते हैं, तो मैं अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ कि जनानी वाली हरकतें मत करो। मैं शिजान को बोल देती हूँ कि जनानी वाली हरकतें कर रहा है,
तो ये उस सेंस में था और बहुत इनिशियल लेवल था जहाँ हम एक दूसरे को काटने मारने को और नोचने को तैयार थे, एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं थे। तो बोला मैंने, क्या बोला, अगर गे बोल भी दिया तो आप उस चीज़ को गाली की तरह मत लो ना, आप अगर नहीं हो तो उतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए उस चीज़ पे। दूसरा, अभी हाल ही में एल्विश के साथ जो रोटी वाला हुआ था, मैं एल्विश से बात ही नहीं कर रही थी। बहुत सोचने के बाद भी मुझे ये याद नहीं आया कि क्या मेरे सामने उसने अपनी प्लेट में पराठा निकाल के रखा है, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। वो मुझे याद ही नहीं आया, मेरी आंखों के आगे वो आई ही नहीं पिक्चर। अगर वो पिक्चर आती तो मतलब मैंने किया वो, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। तो ये एक दो इल्ज़ाम है जो एज ए ह्यूमन मैं अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपने तो कहा भी कि मतलब अगर ऐसा इल्ज़ाम आपको लगता है तो मैं सॉरी बोलती हूँ। मैंने सॉरी मांगी है, मैंने क्लियरली सॉरी बोला है कि भाई आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें अपनी परवरिश के ऊपर ये लगा, लेकिन मैंने परवरिश पे नहीं बोला। मैं सॉरी मांगने से नहीं डरती हूँ, माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता है। वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन, वेरी गुड क्वालिटी, क्योंकि लोग अपने ऊपर इल्ज़ाम जल्दी लेना एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और उस पर अगर आप माफ़ी भी मांग रही हैं कि अगर आपको बुरा लगा है तो ठीक है, मेरी गलती है। अभी जब मैं गई हूँ बिग बॉस के घर के अंदर, तो मैं सबको यही समझा रही हूँ कि मैं एक सिचुएशन से निकल के एक ऐसी जगह गई हूँ जहाँ पे चारों तरफ कैमरा थे मेरे। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे के, एक ह्यूमन नेचर होता है, एक इंसान अगर फील कर रहा है तो वो बातें करेगा, वो नेचुरली निकलेगा, कोई कवर अप नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं फेक बनती मास्क पहन के, यू नो, तो नॉट फेक एट ऑल, वो चीज़ें फिर निकलती ही नहीं। पूजा भट्ट ने रिंग दी आपको? हाँ, उन्होंने आते आते मुझे रिंग दी, बट मैं बाहर जब आई और मैंने सुना कि बेबी का से ही सिर्फ रिश्ता रखना है, तो मैं थोड़ी सी टेकन बैक हो गया मेरा, कि मैंने तो बहुत शिद्दत के साथ रिश्ता निभाया है, मतलब पीबी के लिए 100% किया है मैंने। कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने बैग बिचिंग की है उनके लिए, या मैंने उनके लिए कुछ बुरा ऐसा बोला है, या मैंने ग्रजेस तो निकाले। कहते थे कि मतलब वो जो कह रही है आप उनको बस सेकंड करती थी हर चीज़ में, कि नहीं वो सही है, क्योंकि मुझे लगता था कि वो सही बात बोल रही है, वो खरी बात बोल रही है। मेरे लिए वही उनकी एक इमेज थी कि वो खरी बात बोल रही है। लेकिन कल परसों जब ये जैड और फलक में से चूज़ करना हुआ, तो मुझे हैरत हुई कि उन्होंने जैट का नाम ही नहीं लिया, और वो ये भी बोल रही है कि जैट करता है, जैट खेलता है, जबकि जैट कितने टास्क में पीछे हटा है। और मैंने उसको बोला, भाई खेल, क्या कर रहा है भाई, खेल, लगा मिट्टी, मैं ये करती हूँ, तो किस में जज्बा कम है? सिर्फ ये कि मैं बोलती नहीं, मैं ढोल नहीं पीटती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीतना नहीं चाहती। आगे बढ़, अगर अविनाश की बात करें, अविनाश को लेकर के एक लाइकिंग आपकी रही है जो लोगों ने देखा है या परसीव किया है, तो आज आप उस रिश्ते को कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है मेरा इस सफ़र में अविनाश के साथ, और बहुत अच्छी हमारी दोस्ती डेवलप हुई है। एक उन्होंने जो एक अपना इजहार किया था कि वो मुझे पसंद करने लगे हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ की, क्योंकि गट्स चाहिए इतने सारे कैमरास के आगे ये बात बोलने के लिए। और जबकि मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐसा, यू नो, हिंट नहीं दिया था, वो लड़का अपने ही एक थॉट में ये बात मुझे बोल रहा है, ऐसा कुछ था नहीं कि गेम के लिए करते हैं। तो वो करने के लिए गट्स चाहिए, और ना सुन के उस दोस्ती को बरकरार रखने के लिए गट्स चाहिए, और वो उन्होंने किया वैसा। तो फलक, आपको पता था कि शफाक आपकी सिस्टर के साथ भी उनका एक रिलेशन रहा है? मुझे इस बात का आइडिया नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शायद कम टाइम पीरियड के लिए हुआ, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, और ये सालों पहले की बात है। शफक भी बहुत मूव ऑन की हैं अपनी लाइफ में, और अविनाश भी मूव ऑन किए हैं। अविनाश ने अंदर ये चीज़ मुझे बोली थी कि उनके तीन मेजर रिलेशनशिप रहे, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं 15 साल में उनके तीन मेजर रिलेशनशिप रहे। तो मुझे अपनी बहन का भी पता है, और मुझे उसका भी फाइनली पता चला, बट ये कि शफक को डेट किया है या इस चीज़ में, मैं अभी कुछ सोचना नहीं चाहती हूँ जब तक दोनों बैठ के टॉक टू देम, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आई थिंक हम लोग अब लाइफ के उस स्टेज पे हैं जहाँ मैच्योरिटी के साथ बैठ के मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता है, विदाउट, यू नो, लड़े झगड़े।
तो आई थिंक बेटर यही होगा कि सुकून के साथ बैठ के बात की जाए और सोचा जाए कि क्या है, सुना जाए एग्जैक्टली, पहले तो सुनूं मैं कि क्या है। एक दौर जो था, ऑफ कोर्स कोई नहीं याद करना चाहता है, लेकिन वो दौर आज कभी भी थोड़ा बहुत भी अगर पीछे मुड़कर सोचती हैं, देखती हैं, तो क्या कुछ याद आता है। वो मेरे साथ ही रहता है दौर, मैं उस दौर से नहीं निकल सकती, ना शायद निकलना चाहती हूँ। मैंने ये अंदर अविनाश को ये बात शेयर की थी कि मैं एक ऐसे फेस के अंदर हूँ जहाँ से मैं खुद निकलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उस फेज में वो इंसान है जिससे मैंने बहुत मोहब्बत की है और अनफॉर्चुनेटली अब साथ में नहीं है। नाम नहीं लूँगी, बट प्यार तो था और कोई माने या ना माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डिनायल पे ज़िंदगियाँ नहीं चलती हैं, तो मैं खुद उस फेज से नहीं निकलना चाहूँगी। कहीं ना कहीं शायद जिया ने वो जगह ली है मेरी ज़िंदगी में, और ये रीज़न है कि मैं जिया को नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसको, मैं समझ गई हूँ उसको, तो अब कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं हूँ जिया के पीछे। क्या बात है। शेजान भी एक रियलिटी शो से वापस आया, आप भी रियलिटी शो से वापस आए, थोड़ी देर की मुलाकात तो हुई होगी मेरे हिसाब से। ये बिल्कुल बिल्कुल हुई है। आते ही मैंने सबसे पहले मैं मम्मी के गले लगी हूँ, और उसके बाद में शेजान, मैंने सांस ली उसके गले लग के, बिकॉज इस शो के दौरान ये रियलाइज हुआ कि मम्मी बैकबोन है और शेजान हार्ट है। मैं दोनों के बिना अधूरी हूँ, एक के बिना मैं सीधी खड़ी नहीं हो सकती अपनी माँ के बिना, और उसके बिना मैं धड़क नहीं सकती शेजान के बिना। शेजान को आपने जिस तरीके से संभाला है, वो दौर भी बहुत ही मुश्किल दौर रहा जब आप तीन औरतें घर में और भाई को इस तरह से संभाला है, वो कैसा था? मतलब वो हाउ डिड यू जस्ट मैनेज टू यू नो जस्ट हग हिम एंड से सेड दैट यू नो वी आर देयर? सी, ऑप्शन नहीं था कोई। और कहते हैं कि एक, अगर माँ की बात करूँ, सिर्फ फिलहाल सिर्फ माँ की बात करती हूँ, माँ के अंदर ना एक अलग ही शक्ति होती है, बिल्कुल वो दुनिया से लड़ जाती है। और मैंने अपने भाई बहनों को बचपन से पाला है, मैंने बच्चे पैदा नहीं किए, लेकिन मैं फील कर सकती हूँ कि एक औलाद क्या होती होगी किसी माँ के लिए। तो मेरे लिए मेरे भाई बहन मेरे बच्चे हैं, और वो बात मेरे बच्चे पे आई थी, पैदा नहीं किया लेकिन फील कर सकती हूँ, इतना ही फील कर सकती हूँ बस। तो मेरे अंदर भी एक अलग ताकत थी उस वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी ऑनेस्टी जो है मुझे लगता है यही आपकी ताकत बनेगी आज भी और हमेशा से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।